हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? आप सभी का एक और नए ब्लॉग में हार्दिक स्वागत। और आप सभी का जो मेरे पहले वाले ब्लॉग के लिए जो प्यार आशीर्वाद मिल रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को भी उतना ही प्यार मिलेगा। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो आज हम ठंड के मौसम में, बिल्कुल ठंड जो है कड़ाके की ठंड है, पिछले दो दिनों से बारिश होने के कारण जो है तो बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। तो आज हम जा रहे हैं ठंड के मौसम में ऐसे ही कहीं अपने गांव के भाईचारे में जो काम होता हूँ वहाँ पे, तो ले चलेंगे आपको निचले की तरफ। देखिए मेन रोड पे अभी बस जो है आई है डलहौजी। ये देखिए राजा बस, ये अभी मेन रोड पे आई। हम तो इनसे ऊपर हैं। ये देखिए दोस्तों, वहाँ सामने ही बर्फ पड़ी है। ये देखिए ये ऊपर, इधर त्रिवेंद्री माता मंदिर है, ये जो सामने दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे बर्फ़ पड़ चुकी है और जो अभी चारों तरफ का जो नज़ारा है यहाँ से दिखने को मिल रहा है, बर्फ ही बर्फ बहुत ही ज़बरदस्त, जो नज़दीक से बर्फ़ है देखने का नज़ारा ही है यहाँ पर। और साथ में यहाँ पे त्रिवेंद्री माता में लगातार पड़ रही है ऊपर। ये देखिए क्या बात है, ये देखिए। हम भी वेट कर रहे हैं कि कब जैसे बर्फ पड़े। दोस्तों अब देखिए हम पहुंच चुके हैं इधर घने जंगलों में, तो बारिश भी स्टार्ट हो गई है। अब देखिए हमने टोपी डबल कर ली है क्योंकि थोड़ा ये पहनने से थोड़ा सा बारिश जो है तो नहीं सर पे पड़ेगी, जिससे थोड़ा हमें ठंड से बचने का जो है कार्य जो है तो बना रहेगा। अन्यथा ठंड भी है और बारिश भी है, तो कुछ इस समय में मुझे लगता है यहाँ पर बर्फ़बारी के सार अभी बन चुके हैं और हम घने जंगलों से यहाँ पर जा रहे हैं। आपको जंगल भी दिखाई देते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जंगल घना जंगल है हमारे चारों तरफ, ये घना जंगल है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि हम कहाँ पर जा रहे हैं। घने जंगलों में जा रहे हैं फिर भी हमें डर का एहसास जो है तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम जंगलों के राजा हैं, तो राजा का भी तो है तो डरते नहीं हैं। बस हम लगभग 11 बजे से चलना स्टार्ट हुए थे, तो अभी लगभग अब 3 बजने को आ गए हैं, तो हम कंटिन्यू सफ़र कर रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारे चलने का, तो हम कहां कहां से घूम फिर के आज। मुझे कुछ ऐसी शंका हो रही है कि रास्ता जो है तो हम थोड़ा भूल चुके हैं, कुछ मुझे दिल से शंका हो रही है। कुछ घूम फिर के जहाँ पे हम जाना चाह रहे हैं पर वहाँ पर पहुँच नहीं रहे हैं, तो कुछ अब देखते हैं। यहाँ से ऊपर की तरफ के लिए इन्होंने बोल दिया पीछे से, अब हम जाएंगे ऊपर, चाहे गलत होगा या सही होगा। तो देखिए अब रास्ता भी दिखाएंगे आपको,
कैसा रास्ता है, यहाँ पर रास्ता है ही नहीं, फिर भी हम रास्ता बना के जा रहे हैं ऐसे। ये देखिए वनों में जा रहे हैं, रास्ते का कुछ कुछ लग नहीं रहा कि रास्ता है ये, पर फिर भी हम बिना रास्ते के जा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, अब जो है बर्फ़ पड़ना जो है शुरू हो गई है, तो आपको अब ले चलेंगे इस ठंडे ठंडे मौसम में। अब जो है बर्फ़ पड़ना शुरू हो गई है, तो बर्फ़ का पूरा आनंद लेंगे और आपको इधर सामने ही दिखाएंगे अभी ऊपर। ये देखिए यहाँ से बर्फ़ जो है ऊपर से पड़ती हुई और नीचे आ रही है, तो अब जो है बर्फ़ का नज़ारा पूरी तरह से जो है तो अब आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ पड़ना जो है अब स्टार्ट हो गई है। और सभी दोस्त जो भी बर्फ़ का आनंद लेना चाहते हैं तो इस वीडियो में ज़रूर अंत तक बने रहें, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे कि बर्फ़ कितनी पड़ गई है और कहां कहां पड़ रही है, तो पूरा नज़ारा आपको दिखाएंगे बर्फ़ का। अभी जो यहां का एरिया है हमारा त्रिमुंडी माता मंदिर, वहां पर बर्फ़ पड़ चुकी है और डलहौजी के एरिया में बर्फ़ पड़ चुकी है, यहां पर गढ़ माता मंदिर टेंपल में भी बर्फ़ पड़ चुकी है, मंडोलू माता में कि टेंपल के नज़दीक उधर बर्फ़ पड़ चुकी है। तो जो यहाँ के हमारे जो यहाँ के क्षेत्र हैं जो पर्यटन दृष्टि से डेवलप हैं और हो भी रहे हैं डेवलप, उन सभी स्थलों पर जो है तो बर्फ़ पड़ चुकी है। तो अब आपको बर्फ़ का अगर आनंद लेना हो तो ज़रूर इन स्थलों का जो है स्थलों पर आए और अपनी पूरी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आए, ठंड से भी बचें और क्षेत्रों का भी आनंद लें। तो अब तक के लिए इतना ही।